لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفهم. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय डेली लाइफस्टाइल। कैसे आप सब? ठीक ठाक है? आज हम लोगों ने आपको बताया था इफ्तारी पे जा रहे हैं, मैं रेडी हूँ। अदनान अभी तक सैलून पे हद कराने गए हैं, नीचे मामा पापा वेट कर रहे हैं। मामू की तरफ जाना है, मैं जा रही हूँ, आपको मैं वहाँ जाके मिलती हूँ। अदनान आ जाएंगे फिर एक साथ वीडियो बनाएंगे। ओके जी, ये देखे हमें हमारे भाई लेने के लिए आ गए थे, अब हम लोग जा रहे हैं अदनान को छोड़ के। अदनान खुद ही आएंगे पीछे पीछे। सही बात है, खुद ही आएंगे। चले जी, पहुंच गए, 5 मिनट रह गए। मामी ने कहा ना तुम लोग रोजा खोल के ही आ जाते। चले भी निकलते हैं हम लोग। घर तो आप लोगों ने पहचान लिया होगा कि हम मामी के घर आए हैं। चले अब अंदर जाके आप लोगों को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटी। वाह, मामी के किचन में तो बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही हैं, ज़बरदस्त। आ हा हा हा, आ जाएंगे खुद ही सैलून के। हैं ये मामू ने दूध बनाया, मामी ने शरबत है, टैंक है, पकोड़े हैं। चलो हम लोग बैठते हैं। हाँ जी, कितना फोटो शूट करा रहे हैं तुमने? बस वैसी फारिक बैठी थी। तुम्हें तो कोई बॉल्स पीछे मिल जाए। तुमने तो डेली रूटीन में घर में इफ्तारी बना रही होती हूँ, फिर बर्तन उठाना रखना, आज रिलैक्स। ये तो है। और जब आपको पता है लेडीज जब अच्छा सा तैयार, वो तो तुम्हारे चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना वो ही बता रही है कि तुम कितनी खुश हो। न्यू ड्रेस पहनती है तो खामन को ऐसे ही बगैर मेकअप के छोड़ रही हो। ये अब आपका कसूर है, मेरा नहीं है। एनी टाइम तो ये सैलून पे गए हैं और मुंह पे अपना सूखी पाउडर नहीं छोड़े। नहीं, बस ना करे ना, ओए नहीं, बस छोड़े ना, कुछ ना नहीं। तो सारों को पता है, सारों को पता है कि आपके जवानी में ही बाल वाइट हो गए। हिजाब की इतनी नहीं है, सबको पता है। सैलून पे थे हम, इनको छोड़ के आ गए। जी एनक भी घर रह गई है, मैं कह रहा हूँ चाय पी के निकलूं मैं घर। चलो एनक की खातिर आप निकलने का कर रहे हो? नमाज ही पढ़ने जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हमने कर ली थी, अब हम लोग चाय पीने लगे हैं और चाय पीते हैं। बहुत अच्छा था सारा कुछ, बहुत मजा आया, सारे मिलके बैठे। इफ्तारी करना तो एक बहाना होता है, लेकिन मिलके बैठना। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जी का शुक्रिया करते जाते। चले जी जाके करते हैं, लाइट्स वगैरह ऑफ करें, हमने फोटो शूट वगैरह कर लिया सारा। मामी ने बेस्ट इफ्तारी कराई है। अच्छा, मामी की ही चीजें हैं जो मामी का। ओए मामी बेस्ट इफ्तारी का नहीं, उनको मिला था प्रिंसिपल का। नहीं, वो चीफ ऑनर का, चीफ ऑफ ऑनर का मिला। माशाल्लाह भी बहुत मुबारक हो। पता है मैंने बहुत दफा व्लॉग में बताया हुआ, और आज आप अचीवमेंट भी चेक कर ले मामी की। माशाल्लाह, एक मिनट पिक्चर है। अदनान साइज के भी करवाने हो तो आ जाए इधर, ठीक है? सही है। अब हम लोग पियेंगे चाय। ये ले जी अदनान, चाय। अच्छा जी, अब हम लोग आ गए थे घर, और अब हम लोग थोड़ा सा करेंगे रेस्ट, क्योंकि अभी टाइम है बहुत सारा। सहरी में भी और तहज्जुद में भी, नमाज मैंने वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली थी। अदनान भी तरावियां पढ़ने चले गए थे वापसी, वो आए तो उन्होंने मुझे पिक किया, और अब हम दोनों घर आ गए हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी, उसके बाद पढ़ूंगी कुरान पाक, उसके बाद थोड़ा सा सो जाऊंगी, और उसके बाद मिलूंगी आपको मैं थोड़ी देर बाद। हाँ जी, हाँ जी बोले। बिरयानी है? नहीं, तो अभी ऊपर से क्या किया गया? अभी तुमने तो ऊपर मुझे कहा कि चलो नीचे खाना मिलेगा। खाना
मिलेगा, मामा ने यहाँ लीजिए ना डिले रखा हुआ आपके लिए बना के। मैं चेक करती हूँ अगर आपकी किस्मत की थोड़ी सी निकल आई। मामा आपने क्या खाना है? और पापा ने है मुझे पता था इसीलिए रखी हुई थी मैंने। हाँ खाओगी थोड़ी? चलो मैं गर्म करती हूँ। दही पड़ी हुई है ना? हाँ जी है। चलो ठीक है, ले आओ। The next morning. हाँ जी, सैरी का टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। मैं भी सो गई, अदनान भी सो गए। बस एकदम मौलवी साहब की आवाज़ आई है तो जल्दी से एकदम आँख खुल गई है और अब मैंने नफल पढ़े हैं और अब मैं नीचे जा रही हूँ जाके जल्दी से सैरी बनाती हूँ। तो मैं इस टाइम तो चली भी जाती हूँ, दो तीन मेरे पराठे बन भी जाते हैं। हेलो, उठ जाओ। अच्छा, फिर आपने जाना भी है दही लेने? आज मैंने दही नहीं लगाई थी तो अब अदनान लेने जा रहे हैं। आपने दही खानी है? अंडा? नहीं, दही खाऊंगा। चलो फिर ठीक है, आपने पापा ने दही खानी, मैंने और मामा ने अंडा खाना है। तो मैं जाके ना पराठे बनाती हूँ, आ जाना फिर, मैंने कॉल नहीं करनी। ठीक है। हुई आज ही मिरेकल कैसे हो गए, लाइटें ऑफ है, मामा लगता है सो गई हैं। हाँ मामा पापा दोनों सोए हुए हैं। आवाज़ देती हूँ, एक मिनट ठहरे। मामा जी 3 बज गए हैं। अच्छा। हाँ मैंने कहा मामा सोई नहीं आज पहली दफ़ा। नहीं, मैं बैठी नहीं। चलो कोई बात नहीं, उठ जाए। अच्छा मैं जाके ना रोटी बनाऊँ क्योंकि मुझे इसलिए हैरत हुई है। मैं आती हूँ ना नीचे तो मम्मा ने मेरे आने से पहले ना आटा और घी बाहर रखा होता क्योंकि ठंडा बहुत होता है। मुझसे ना नहीं बनती रोटी ठंडे आटे की, मुझे ना ये शोल्डर्स का जॉइंट्स का मसला है। मैं ज़्यादा हार्ड आटा नहीं गूंथती, मैं पतले आटे की रोटी बनाती हूँ, मुझे अब आदत पड़ गई है ना। इतना ठंडा आटा हाथ नहीं लगता मुझसे। चले अब जल्दी से सैरी बनाते हैं। आज हम सारे ही सोया घर रह गए, शुक्र है हमारी रह नहीं गया, रोज़ा नहीं रह गया। वापी वाह, अदनान तो आज काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं? हाँ। तो मैं दही नहीं लगाई, लेके आया हूँ बाजार से। और आप ज़्यादा लेकर आए हैं, कह रहे थे तुम बहुत थोड़ी दही देती हो मुझे। यस, यही कहा था ना। अब ये सारी खा के दिखानी है बाप ने मुझे, समझ लगी है? रोटी ना मेरी जल जाए अक्सर बातों में। आपको पता है आज हमारी सैरी रह जानी थी, बस अचानक से ही आँख खुली है मेरी, समझ लगी? किस तरह रह जानी थी? क्योंकि मैं भी सोई थी, आप भी सोए थे, मामा भी पापा भी, नहीं तो हम चारों ही जाग रहे होते हैं। सोना अच्छी बात है। अब मुझे ये ले जाएं, आप लोग की रोटी रेडी है, आपकी और पापा की सादा रोटी। ये ले चम्मच देती हूँ माँ। पापा भी नहीं उठे? पापा उठ जाते हैं। मैं ना एक मिनट हॉटपॉट देती हूँ, उसमें रखो रोटी ठंडी हो जाएगी। तो हम जिला रोटियाँ सारी बन गई है, पराठे। आज मैं एक नए तरह का अंडा देखा था फ्राई, उसको डाल के घी के अंदर ऊपर से रेड क्रश चिली और सॉल्ट डाल दें और बहुत दम वाली मतलब मीडियम फ्लेम लो फ्लेम पे रख दें उसको बनने के लिए। जब ये हो जाए देन इसको थोड़ा सा इसको पलट दें। 1 hour later. 4 मिनट रह गए, अदनान को तंग करती हूँ। अदनान आपको पता है 1 सेकंड रह गया बस रोज़ा बंधने में, कब से ब्रश करी जा रही है आप? 1 सेकंड? जी पागल हो गई हूँ मैं, कब से ब्रश करें, ब्रश नहीं खत्म हो रहा। 4 मिनट पड़े हैं। आपको ऐसे ही कहना पड़ता है क्योंकि आपको नाना कहो तो फिर आप बहुत स्लो मोशन में काम करते हैं। पानी रखा है मैंने आपका, पी ले। चले जी अपना, इसी के साथ हम लोग यहाँ पे छोटा सा मजाक किया था, अल्लाह माफ़ करे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये प्रैंक श्रैंक क्योंकि गुनाह ही है। हम लोग रोजे की हालत में ये जो शुगर मिला होता है लेकिन ना रोजे की हालत में हम लोग ये जो हरकत करते हैं, प्रैंक कर दो। वैसे नॉर्मल रूटीन में ठीक है तो इसीलिए प्रैंक श्रैंक करेंगे इंशाल्लाह हम लोग रमजान के बाद। मजाक किया था छोटा सा नान के साथ, तो अब हम इसी के साथ लेते हैं इजाज़त। सो गए थे, नींद पूरी होगी रही है, तो अब हम नमाज पढ़ के उसके बाद बैठ के कुरान पाक पढ़ेंगे और मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप हमारे साथ रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजम प्रेस करें। ये तो आप लोग को रट गई होनी है, ज़ुबानी मुझे याद हो गया, मुझे तो लगता है ना मैं नींद में भी लगता है यही बोलती रहती हूँ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऐसे ही बोलती हूँ ना। हाँ लेकिन आप लोगों को नहीं, थोड़ा सा भी नहीं ख्याल आता कि बहन तड़ले ले रही है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन आप लोग फिर भी विदाउट सब्सक्रिप्शन मेरी वीडियोस देखते हैं। यकीन माने मैं डेली चेक करती हूँ, डेली अपना YT स्टूडियो चेक करती हूँ, मुझे उसमें पता चल जाता है 30% 40% ये कौन लोग है, ये तो आपको ही पता कौन लोग है जो विदाउट सब्सक्रिप्शन वीडियोज़ देखते हैं। लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच, देखते तो है ना आप लोग। चले कोई नहीं, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।